हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो, यानी आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के पास में मल्टीपल अकाउंट होता है, वो अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करके डिलीट अकाउंट का ऑप्शन सर्च करोगे दोस्तों, आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों फेसबुक नहीं चाहता है कि आप डिलीट अकाउंट करो, फेसबुक को यूज करना बंद करो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो, कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। सिंपली आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसके बाद आपको 3 लाइन पर टैप करना है, ठीक है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, आपको इस पर टैप करना है। अब आपको सेटिंग्स को ओपन करना है, ठीक है। दोस्तों, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। अब दोस्तों, आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों, आपको यहां पर लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। अब दोस्तों, आपको यहां पर 2 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। अब आपको अपने अकाउंट को सेलेक्ट करना है। अगर आपके फ़ोन में मल्टीपल अकाउंट है तो आपको इस पर टैप करके उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो हमें इसी को डिलीट करना है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, आपको यहां पर डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फेसबुक नहीं चाहता कि आप अकाउंट को डिलीट करो, इसलिए सबसे पहले उसने डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन दिया, ठीक है। डीएक्टिवेट का मतलब यह है कि अगर आप इसको कर देते हो, ठीक है, अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हो, दोस्तों आपका जो अकाउंट है कभी किसी को शो नहीं होगा, ओके। मान लो कि कभी आपका मूड बदल गया तो दोस्तों आप फिर से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर पाओगे, ओके। परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट होगा, जब आप चाहोगे उसको एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। अब हमें डिलीट करना है, ठीक है, हमें अपने अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना है, हटाना है पूरी तरह से, परमानेंटली डिलीट करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको डिलीट अकाउंट को टिक कर देना है, इसके बाद आपको कंटिन्यू पर टैप करना है, ठीक है। दोस्तों, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहते हो, कोई एक रीजन बताओ, ठीक है, कोई एक वजह बताओ। तो दोस्तों, आपको यहां पर काफी सारे वजह मिलेंगे, आप कोई भी एक टिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर टैप करना है, ओके। अब आपको फिर से कंटिन्यू पर टैप कर देना है। दोस्तों, आपको यहां पर डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन फिर से मिलेगा, ओके। फेसबुक नहीं चाहता कि आप अकाउंट डिलीट करो, ठीक है, वो आपको बार बार कन्विंस करेगा कि आप अकाउंट डीएक्टिवेट कर लो, परमानेंटली डिलीट मत करो, ओके। लेकिन हमें तो डिलीट करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आपको जाना है, ठीक है, आपको यहां पर कंटिन्यू पर टैप करना है, ठीक है। अब आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड डालना है, ठीक है, आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डालना है, तो अब हम पासवर्ड डालते हैं। तो दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर टैप करना है, ठीक है। अब आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा डिलीट अकाउंट का, दोस्तों आप इस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो, परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये है कंप्लीट प्रोसेस फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करने का। इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।